Hello everybody and welcome to YM English classes. Guys, English has become such an important subject कि ऐसा लगता है कि इसके बिना आगे चलेगा ही नहीं. Because चाहे आपके competitions के examinations हो, चाहे आपके academics हो, social life हो, career हो, in all these areas English has started playing a very important role. So that's why it's very important to get updated and learn English. So, इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ एबल के बारे में. Well, आपने इस वर्ड का कहीं ना कहीं जिक्र या खुद इस्तेमाल जरूर करा होगा कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. लेकिन हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे पर्टिकुलरली करना है, या अगर मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसका जो लोगों के दिमाग में क्या मीनिंग जाएगा. इस तरह के कई सारे सवाल हमारे दिमाग पर होते हैं. सो इस वीडियो में मैं आपको बड़ा ही क्लासिफाइड करके इसके बारे में समझाने जा रहा हूँ. सो बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल YM English Classes, because it is not only my channel, it is actually your channel also, because it's a platform to learn, and learning is growth and development. On that positive note, let's start today's session. So मैं आपको सिखाना हूँ able के बारे में. सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि able कौन सा part of speech होता हैगा. अब अगर आपको part of speech के बारे में नहीं मालूम है, okay, तो आप YM English के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां पर आपको वीडियो मिलेगा अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस. वो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरी जानकारी अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस बड़े ही क्लासिफाइड तरीके से समझाई है. ओके, फिलहाल मैं आपको बता दूं जो वर्ड एबल होता है ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो कि हमको नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन यानी उनकी कोई खास बात बताते हैं. अब इस वाले सेंटेंस को देखिएगा, लिखा है आई एम एबल टू कुक एनी डिश. अब यहां पे जो वर्ड एबल है वो एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है. ये बात ऑथेंटिकेट करती है, प्रमाणित करती है कि जो वर्ड एबल है वो एक एडजेक्टिव होता है. ये बात तो समझ में आ गई है. ओके, अब इसका इस्तेमाल सेंटेंस में किस प्रकार किया जाता है, हाउ टू यूज द वर्ड एबल इन अ सेंटेंस, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरी दूसरी स्लाइड पे. वो रही ये, आइए पढ़ते हैं और क्या पाते हैं. सब्जेक्ट क्या है? ही. सो सेंटेंस क्या लिखेगा? ही वाज एबल टू गिव द करेक्ट आंसर. अब मैंने इसको बताने के लिए ऊपर लिख रखा है इसका स्ट्रक्चर सेंटेंस का, जिससे ये आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा, बैठ जाएगा. ओके, सबसे पहले तो आ रहा है सब्जेक्ट, वो क्या है यहाँ पे? ही. साथ में यहाँ पे एसोसिएटेड क्या आएगा, क्या जुड़ी हुई है? यानी बी फॉर्म. अब ये पास्ट में होती है वॉज, ये वर, और प्रेजेंट में होती है इज एंड या आर. यहां पर ही के साथ वॉज लगेगा क्योंकि पास्ट में है. सो आगे है एबल का इस्तेमाल, यानी कि बी फॉर्म के बाद, यानी कि बी फॉर्म के बाद मैंने इस्तेमाल कराएगा वो एबल का. आगे लिखा है टू, जो कि इंफिनिटिव है. इंफिनिटिव के साथ हमेशा हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है टू give. अब एक है give है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आगे मैंने पूरी बात जोड़ दी है क्या, the correct answer. So now the sentence has become he was able to give the correct answer. तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस में वर्ड एबल का इस्तेमाल कर सकते हैं. Alright, so अभी तक हम लोगों ने क्या जाना? हम लोगों ने जाना कि वर्ड एबल एक एडजेक्टिव होता है, और दूसरी बात ये कि इसको इस्तेमाल करा इस तरह से जा सकता है सेंटेंसेस में इजीली. आगे चलते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब एबल जो है कईयों बार कैन जैसा साउंड होता है. ओके, ऐसा लगेगा कि जैसे एबल और कैन में कोई अंतर ही नहीं है, जबकि अंतर होता है. जो वर्ड कैन है ये नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है. ओके, जैसे अगर मैं कहूं दैट आई कैन स्विम, तो मुझे स्विमिंग आती है. इसका मीनिंग ये निकलेगा कि मुझे स्विमिंग आती है, आई कैन स्विम. अगर मैं बोल रहा हूं दैट आई एम एबल टू स्विम, अब एबल जो है वो स्किल जैसा साउंड करेगा, एज इफ आई एम स्पीकिंग अबाउट माय स्किल, कि मेरे में ऐसा स्किल है कि मैं स्विमिंग कर सकता हूं. सो आई एम एबल टू स्विम, दैट मींस मेरे में स्किल है कि मैं स्विम कर सकता हूं.
सो मैं वही बात बताना चाहता हूँ क्या कि एबल और कैन आपस में रिजेंबलेंस हो सकता रखते हो, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है इसके इंटरप्रिटेशन में, इसकी मीनिंग में। वो क्या होता रहेगा मैं आपको बता दूं फिर से। कैन जो होता है वो नो हाउ टू, यानी कि आप उसके बारे में जानते हो किस प्रकार से, कैसे, हाउ। ओके, जबकि एबल आपके स्किल के बारे में बताता है। ओके, आइए इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से जान लेते हैं इन दो एग्जाम्पल्स के जरिए। पहला वाला एग्जाम्पल है आई कैन कुक एनी डिश, आई कैन कुक एनी डिश। सो ये ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्ट जो आई है उसको नॉलेज है कि वो कोई सी भी डिश कुक कर सकता है। तो इसमें जो फोकस है वो नॉलेज पे है कि उसको मालूम है कि खाना यानी कोई सी भी डिश कैसे बनाई जा सकती है। जबकि दूसरे में एबल का इस्तेमाल हुआ है, पहले वाले में कैन का इस्तेमाल हुआ है, वहां पे हम लोग बता रहे हैं नो हाउ टू कुक एनी डिश के बारे में। जबकि यहाँ पर एबल जो है लिखा है आई एम एबल टू कुक एनी डिश, अभी ऐसा लगता है कि आप में एबिलिटी है, आप में स्किल है कि आप कोई सी भी डिश बना सकते हैं। तो आप एबल को एबिलिटी से कनेक्ट करके देखेंगे तो ये स्किल जैसा साउंड करेगा। तो यही डिफरेंस है कि आई कैन कुक एनी डिश, ये साउंड करता है एज इफ समवन हैज द नॉलेज और ही नोज हाउ टू कुक एनी डिश, जबकि जो एबल होता है इट साउंड्स मोर एज इफ समवन हैज द स्किल टू डू समथिंग। ओके, ये दोनों में डिफरेंस होते हैं। अब अंग्रेजी में क्या होता है ना कि एक वर्ड दूसरे जैसा लग सकता है, अब लगना कुछ और होता है लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन यानी उसका मतलब जो है, उसका मीनिंग जो है, ये बहुत अलग हो सकते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए जैसे अभी हाल मैंने आपको बताया। ओके, आगे चलते हुए मैं आपको बताऊं कि दोनों में एक बात और होती है। जो कुक होता है ये ज्यादा नेचुरल साउंड करता है जब हम बात करते हैं। जैसे अगर कोई मेड आई है आपके यहाँ खाना पकाने के लिए, कोई आया है तो आप पूछ सकते हैं कि कैन आई कुक, क्या आप खाना पका सकते हो। तो यानी कि तुम्हें नॉलेज है खाना बनाने की, कैन आई कुक। अब ऐसा लग रहा है कि इसकी नॉलेज के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, कैन आई कुक। जबकि एबल उसकी एबिलिटी के ऊपर आ जाता है। सो अगर मैं कहूँ आर यू एबल टू कुक, तुम खाना बना पाओगे, तो ऐसा लग रहा है कि उसकी एबिलिटी पे यानी उसके स्किल पे हम लोग थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ये तो मेरी स्किल है कि नहीं है। तो हम लोग अगर ये बात करें कैन यू कुक, तो ये ज्यादा नेचुरल साउंड करेगी। दैट्स व्हाई वी से कैन यू कुक, कैन यू ड्राइव दिस कार, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है। तो ये नॉलेज के ऊपर ज्यादा रहेगा कि तुम्हें नॉलेज है गाड़ी चलाने की, यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, सो कैन यू ड्राइव अ कार, इंस्टेड ऑफ सेइंग आर यू एबल टू ड्राइव अ कार। सो दैट इज व्हाई कैन यू कुक ये ज्यादा नेचुरल साउंड करता है बजाय कहने के आर यू एबल टू कुक। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश on a practical front, be very practical when it comes to English, because English yani language, English jo language hai ye aap itni zyada practical grounds pe kariye practice ki ki aap logo se sahi mein acha communicate kar paaye। aapka target hona chahiye ki ha bhai main English mein wohi samjha paau jo main samjhana chahta hu। to main agar knowledge ke bare mein baat karna chahta hu main can you aur se baat karunga, जबकि अगर मैं अपने स्किल के बारे में या किसी की स्किल के बारे में अगर मैं बात करना चाहता हूं तो मैं एबल यानी एबिलिटी के बारे में बात करूंगा। दोनों में डिफरेंस रहता है। कैन नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है जबकि एबल यानी एबिलिटी स्किल को रिप्रेजेंट करती है। दोनों में डिफरेंस रहेगा। ये होता है फायदा आपको वाई एम इंग्लिश क्लासेस पर आने से। इसी बात पे आप लोग तुरंत मेरा चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकॉन एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और जानते हैं क्या Okay. ये हो गया था। अब अगर टेंस की बात करें तो दोनों को हम लोग कैसे और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिएगा पहला वाला सेंटेंस आई विल बी एबल टू कुक एनी डिश लिखाएगा। अब विल जो है ये मॉडल वर्ब है, इसके बाद मैंने बी लिखा। अब बी के बाद एबल आ सकता है बिकॉज एबल एज एन एडजेक्टिव यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये ठीक है। लेकिन यहां पर आई विल कैन कुक एनी डिश नहीं हो सकता बिकॉज विल अपने आप में क्या है, मॉडल वर्ब है। कैन भी मॉडल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब के फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं उसको कहते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको मॉडल वर्ब्स के बारे में भी समझाने जा रहा हूँ। फिलहाल क्या होता है कि हम लोग दो मॉडल वर्ब्स ऐसे इकट्ठे रख नहीं सकते। दैट्स वाई द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, वेयर इज पहला वाला सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली
it is appropriate jab main kehta hu I will be able to cook any dish. So this one is correct. So aaj hum log ne jana what is the meaning of able pehli baar, aur hum log ne jana ki ye kaun sa part of speech hota hai, ye hota hai aapka adjective. Agli baat, able aur can ek jaise lagte hain, hote nahi hai. Can knowledge ke upar hota hai. Can you drive a car? क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? तो ये मैं नॉलेज के बारे में पूछ रहा हूँ. क्या तुम्हें नॉलेज है गाड़ी चलाने की? एंड आर यू एबल टू ड्राइव अ कार? इसके बारे में, यानी कि क्या आप में एबिलिटी यानी वो स्किल है कि आप गाड़ी चला पाए, दोनों में डिफरेंस होता रहेगा. साथ में हमने जाना कि कैन जो होता है वो ज्यादा नेचुरल साउंड करता रहेगा, और टेंसेस में कैसे इसका इस्तेमाल होता रहेगा, किस प्रकार से, किस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं, ये अभी हम मैंने आपको जस्ट समझाया. ऑलराइट, सो इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहिए. ओके, एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूँ दैट इट इज योर प्लेटफॉर्म. सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू ब्लेस ऑल ऑफ यू. सो दैट्स इट फ्रॉम वाईएम इंग्लिश, बिकॉज़ वाईएम इंग्लिश इज योर ब्रिज टू सक्सेस. गॉड ब्लेस यू, सी यू सून.